इस वीडियो के द्वारा हम आपको जानकारी देंगे कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी इन इंडिया। जी हाँ, भारत के अंदर अगर आपको सुंदर दिखने के लिए नाक की जो सर्जरी करनी होती है तो उसकी अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट आ सकती है। कॉस्ट जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि आमतौर पर दिक्कत क्या होती है। पहला तो यह होता है कि मेरी नाक बहुत ही ब्रॉड है, काफी पेशेंट्स को लगता है कि मेरी नाक काफी ब्रॉड है। सेकंड लगता है कि मुझे आलार टिप पे सपोर्ट नहीं है, वो बैठी हुई है, झुकी हुई है, जो हम ब्रिज कहते हैं वो टेढ़ा है, वो स्ट्रेट नहीं है। ऐसे अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडियन नोज में। इसमें हम जो आमतौर पे प्रोसीजर करते हैं उसमें एक तो सीधी करने के लिए उसको जो नेजल बोन होती है उसे ऑस्टियोटॉमी करके अंदर डाला जाता है, टिप को एलिवेट किया जाता है, आलार बेस को रिडक्शन किया जाता है। अभी जब टिप एलिवेशन करते हैं तो वहां पे हमें एक्सटर्नल हड्डी की जरूरत पड़ती है, कार्टिलेज की जरूरत पड़ती है। वो कार्टिलेज कान में से नाक के अंदर एक सेप्टम नामक हड्डी होती है वहां से, या फिर रिब पसली जिसे बोलते हैं, रिब कार्टिलेज, वहां से लिया जाता है। अगर हम नाक में से ही लेती है तो उसकी कॉस्ट कम होती है, अगर रिब कार्टिलेज लिया जाता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोसीजर बढ़ जाते हैं। नाक कान की जो कार्टिलेज होती है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ कार्टिलेज हमें मिलती है वो बहुत ही कम होती है। रिब कार्टिलेज सबसे सुपीरियर होता है। काफी टाइम सिलिकॉन इम्प्लांट्स, रेडी इम्प्लांट्स आते हैं सिलिकॉन के कि जो नाक में फिट कर दिए जाते हैं, उससे भी नाक सुंदर दिख सकती है, वो भी प्रिफर किया जाता है, बट उसे हमेशा सेकेंडरी चॉइस पे रखा जाता है। उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि वो आपका बॉडी का पार्ट नहीं है तो उसमें इंफेक्शन लगने की पॉसिबिलिटी, ग्राफ्ट रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम चाहते तो है हम अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, पर कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं चाहता, इसीलिए रिब कार्टिलेज टॉप पे आता है। अभी ये जो सर्जरी होती है वो सर्जिकल कॉस्ट एक होती है, आमतौर पे हमारे क्लिनिक में 30,000 से 50,000 के बीच में सर्जरी के चार्ज लिए जाते हैं। उसके अलावा जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके चार्जेस होते हैं, बेहोश करने के लिए डॉक्टर आते हैं एनेस्थेटिस्ट, उसके चार्जेस अलग होते हैं, पेशेंट पे जो दवाइयां यूज की जाती है उसके चार्जेस होते हैं, और पेशेंट के ऊपर जो कंज्यूमेबल लगाया जाता है, मतलब सर्जरी के बाद एक कास्टिंग करके एक ड्रेसिंग लगाया जाता है, तो वैसे आमतौर पे वो भी सारे चार्जेस होते हैं कि जो एडिशनल होते हैं और उसे पहले से कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल करोगे तो हम आपको आपके एग्जिट चार्जेस बता पाएंगे। इसमें फॉलोअप कैसे होता है, तो 5वें दिन पे ड्रेसिंग निकाल दिया जाता है, 10वें या 11वें दिन पे सारे टाके निकाल दिए जाते हैं। रिजल्ट दिखने के लिए इमीडिएट तो दिखता है, लेकिन जैसे टाइम जाता है 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, वो बेटर होता है, रिजल्ट और अच्छा होता है। तो अगर आपको किसी को नाक की सर्जरी करवानी है इंडिया में, भारत में, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम इसके साथ एक पेशेंट के बिफोर आफ्टर पिक्चर्स भी ज्वाइन किए हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की नाक पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, उसे हमने कैसे स्ट्रेट किया है, कैसे सीधा किया है, उसके बिफोर आफ्टर पिक्चर्स हमने इसमें ज्वाइन किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर वैभव शाह है, मैं फेशियल प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूं, और हमारे यहाँ पे क्लिनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, हमारी और कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांचेज नहीं है, और ना तो मैं और कोई जगह पे जाके सर्जरी करता हूं। तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो में अच्छे से पता चलता है। तो ये ऐसा है, यहाँ से टेढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं, यहाँ से टेढ़ा लग रहा, थोड़ा यहाँ से उठ भी गया बीच में क्योंकि यहाँ से टेढ़ा हो गया तो ये उठ गया है ना, बट ये थोड़ा अगर सीधा होने के बाद भी ना ये फिर 30 यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो थोड़ा
तब भी ये सीधा होने के बाद भी ये मोटा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा यहाँ से पतला हो, पूरा ऐसा स्लिम है ना, ये मैं चाहता हूँ। और आप वीडियो में देख लीजिए अच्छे से, ऐसा कुछ है।